हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हैंड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, जो लोग ग्रुप डी रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम देने, उसके लिए एक बहुत बढ़िया खुशखबरी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के से ऑनलाइन के जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन चला है कि कब एग्ज़ाम होगा, कब आप जो कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ डिटेल आ चुका है। तो मैं अभी आपको वन बाई वन मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो आप लोग जानते हैं 17 सितंबर 2018 में जो कि एग्ज़ाम होगा इसका। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीबीडी जो कि फास्ट सीबीडी होगा, तो उसके लिए एग्ज़ाम 17 सितंबर 2018 में एक्टिवेशन और मॉक टेस्ट लिंक फॉर सीबीडी जिसका इसका डाउनलोड करना पड़ेगा 10 सितंबर 2018 में। इसका जो एग्ज़ाम सिटी डेट और शिफ्ट जो कि होगा, उसका जो कि उसका जो डिटेल है आप 9 सितंबर 2018 में आप लोग जान सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग SC ST कैंडिडेट है उसके लिए जो कि ट्रेन का जो कि फेयर फ्री है, उसका जो डिटेल्स या उसका जो फॉर्म आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं 10 सितंबर 2018 में। इसके साथ साथ आपको जो एडमिट कार्ड है, ईकॉल लेटर, आपको वो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 डेज प्योर टू द CBD डेट ऑफ कैंडिडेट। जो लोग डाउनलोड करेंगे एडमिट कार्ड, उसके लिए यहाँ पे एक न्यूज़ है जो कि अगर आपके एग्ज़ाम 17 सितंबर 2018 में होगा या 18 सितंबर 2018 में होगा, उसके ठीक 4 दिन पहले आपको ईकॉल लेटर या एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके आगे या बाद में आप डाउनलोड नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उसके ठीक 4 दिन पहले आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं आपका ईकॉल लेटर या एडमिट कार्ड। इसके साथ साथ यहाँ पे और भी कुछ लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है कैंडिडेट्स में लॉगिंग विद देयर क्रेडेंशियल्स ऑफ द अबव मेंशन डेट थ्रू द लिंक ऑफ द प्रोवाइडर ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट RRB नोइंग देयर एग्जाम सिटी डेट लेसन राउंड ट्रैवल अथॉरिटी ट्रेन ट्रैवल अथॉरिटी फॉर SC ST कैंडिडेट एंड ईकॉल लेटर। तो आपको यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है कि आपको यह डाउनलोड करने के लिए RRB के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको वहाँ पे जाके लॉग इन करके आपको ये सब डाउनलोड करना होगा। अदर कोई वेबसाइट में जाके अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं वहाँ पे नहीं मिल जाएगा आपको। इसके साथ साथ यहाँ पे जो कि एग्जामिनेशन के जो कि कुछ डिटेल दिया हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ CBD जो कि यहाँ पे टाइम लगेगा 90 मिनट जो कि 1.5 घंटा है इसके लिए जो कि कैंडिडेट है, और जो 120 मिनट फॉर द एलिजिबल PWD जो फिजिकली हैंडीकैप है उसके लिए 120 मिनट देंगे एग्जाम के लिए। इसके साथ साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि होगा 100 क्वेश्चन होगा। मार्क्स एज पब्लिश विद द वेबसाइट, तो इसका जो रिजल्ट हो वो RRB के ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा वो। इसके साथ साथ यहाँ पे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा और नेगेटिव मार्किंग भी हुआ 1/3 फॉर द एवरी इनकरेक्ट आंसर में रहेगा नेगेटिव मार्किंग। इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, अगर आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे आपको यहाँ पे ओरिजिनल ID प्रूफ आपको लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको कोई जेरॉक्स कॉपी अगर ले जाएंगे आपको अलाउ नहीं करेगा एग्ज़ाम सेंटर में। तो फ्रेंड्स, ये था RRB के जो कि ऑफिशियल जो कि नोटिफिकेशन आया है ग्रुप डी के। तो ये अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।